नमस्कार। एक बच्चे का बर्थ डिटेल है हमारे सामने। 13 जून सन 2013 दोपहर को 1:11 पर इनका जन्म हुआ। और लग्न की जो स्थिति है वो कन्या लग्न है और चंद्रमा यहाँ कर्क राशि में गोचर कर रहा था। लग्न के स्वामी बुध हैं, राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा 19 डिग्री 18 मिनट अश्लेषा नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ। इसका मतलब ये बच्चा मूलों में पैदा हुआ है, अश्लेषा के प्रथम चरण में पैदा हुआ। यानी ऐसे बच्चों का नामकरण शास्त्र अनुसार अश्लेषा नक्षत्र की शांति कराने के बाद 27 दिन के बाद नामकरण कराना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं लग्न से। कन्या लग्न, लग्न खाली है, लग्न पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है। यानी ये भी एक अपने आप में अच्छी ही बात है कि चलो लग्न को कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा तो अशुभ भी नहीं देख रहा। कन्या लग्न को काल पुरुष की कुंडली का छठा घर कहा जाता है। यानी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लेबोरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्मशील होते हैं, दूर की सोच रखते हैं, धैर्य से काम रखते हैं, साहस से काम लेने वाले हैं, परिस्थितियों से लड़ने वाले होते हैं। सभी प्रकार की स्थितियाँ बहुत अच्छे लगन में इन लोगों को कहता हूँ, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति मेहनत से सब कुछ पा लेता है तो उसे उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो स्थितियाँ यहाँ अपने आप में बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। लगन का मालिक बुध अपने से दशम में गया और दशमेश दशम में बैठकर भद्र नामक महापुरुष योग बनाता है। यानी व्यक्ति ज्ञानी है, बौद्धिक ता उसकी अच्छी है, कैचिंग पावर अच्छी है, पकड़ अच्छी है, किसी भी मुद्दे को लेकर तर्क संगत रूप पे वो व्यक्ति बहस कर सकता है। यानी अच्छी भाषण शक्ति, बुध से संबंधित जो गुण होते हैं, बुध एक अच्छा व्यापारी भी है तो इसके अंदर वो गुण समाहित हैं कि ये व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छा व्यापारी बन सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। व्यक्ति वर्कहोलिक है, कर्म प्रधान रखने वाला, यानी अपने कर्म को वैल्यू देने वाला होता है। साथ में शुक्र विराजमान है, शुक्र और बुध दोनों मिलकर एक राजयोग बना रहे हैं। भाग्य स्थान का मालिक जब कर्म स्थान के मालिक से राजयोग बनाए तो कहते हैं कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग। जब कर्म धर्मपति अधिपति राजयोग बने कुंडली के अंदर तो ऐसे लोग अपने कार्य विशेष के लिए पहचाने जाते हैं। धार्मिक कार्य भी करते हैं, स्वयं का व्यवसाय कार्य भी करते हैं, समाज में पहचाने जाते हैं। जिस भी स्थिति में, जिस भी औहदे पे ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काम करता है वहाँ उसको बहुत अच्छी प्रोग्रेस, बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त होती है। यानी स्वयं के बल पर जीवन में कुछ अच्छा करने की इंडिकेशंस इस कुंडली के अंदर साफ तौर पर दर्शित हो रहे हैं। शुक्र यहाँ धनेश भी है, यानी वाणी के बल पर धन कमाना, कुटुंब के तौर पर धन मिलना, घर परिवार की तरफ से सहयोग मिलने की स्थिति भी दिखती है। साथ में बृहस्पति हैं, बृहस्पति चतुर्थेश होकर चौथे घर को देखते हैं। यानी स्वयं के बल पर मकान बनाने में भी ये व्यक्ति सक्षम होगा। ऐसे लोगों की जो पत्नियां होती हैं उनको सहयोग करती हैं, साथ ही साथ पत्नी भी जीवन में कुछ ना कुछ किसी प्रकार का कार्य करने वाली होती है। चलिए थोड़ा सा बात करता हूँ मैं आपकी कुंडली के बारे में। बुध शुक्र और बृहस्पति के बने इस योग की शास्त्र में इसको सरस्वती योग कहा गया। सरस्वती योग का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में पढ़े या ना पढ़े लेकिन उस पर सरस्वती की कृपा है। उसकी बुद्धि स्वयं में इतनी कुशाग्र है, इतनी तीव्र है, इतनी समझदार है कि वो उस बुद्धि के बदौलत ही अपने जीवन में बहुत बहुत अच्छी तरक्कियाँ, बहुत बहुत अच्छे अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। तो वही अपने आप में एक बहुत सुंदर योग इस कुंडली के दशम भाव में बना हुआ है, जो अकेला ही काफ़ी है आपकी कुंडली में सब कुछ आपको देने के। सूर्य मंगल नवम भाव में, जब अशुभ बुध ग्रह नवम भाव में बैठ जाएं, खास तौर पे सूर्य भी हो और अष्टमेश मंगल भी हो, तो ये कमर से दर्द से संबंधित स्थिति दे सकता है, पिता के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, पिता के साथ रिलेशनशिप खराब कर सकता है, यानी पिता के साथ मतभेद देने में भी ये कॉम्बिनेशन सक्षम है। साथ ही साथ क्योंकि 3 और 12 दोनों के मालिक भाग्य स्थान में हैं, जो भाग्य बनाने के लिए देरी, भाग्य बनाने के लिए प्रयासरत दिखा रहे हैं, बहुत अधिक एफर्ट्स करने पड़ेंगे भाग्य बनाने के लिए। एक जन्म स्थान से दूर या स्थान परिवर्तन भी ऐसे लोगों को अवश्य करना पड़ता है। एकादशेश एकादश भाव में बैठा है, जैसा कि आपकी पिछली कुंडली थी कि शुक्र 11वें ही घर में बैठा है, ऐसे ही यहाँ चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा है। ऐसे लोग जीवन में स्वयं के बल पर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ले लेते हैं, यानी अपने आप ही जीवन में 2 से 3 माध्यमों से पैसा कमा लेते हैं, जीवन में 2-3 तरीके के काम भी एक साथ कर लेते हैं। साथ ही साथ जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, धन के आगमन या धन की स्थिति उनके पास लगातार बनी रहती है।
तो सूर्य मंगल का ही एक योग जो यहाँ बना है ये थोड़ा सा नकारात्मक दिखाई दिया। दूसरे घर में शनि राहु के साथ हैं। वक्री शनि जब राहु के साथ हो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, जीवन में पैसे की वैल्यू समझनी चाहिए, पैसे से संबंधित स्थितियाँ आदान प्रदान करना, किसी को देने में बहुत सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ ये योग व्यापारिक दृष्टि से उठापटक वाला कॉम्बिनेशन कहा जाता है। शनि और राहु, शनि व्यवसाय या कर्म के कारक हैं और राहु किसी भी चीज़ के अंदर उसको भ्रमित करने में सक्षम होते हैं। आप अपने कार्य को बिल्कुल सटीकता से करें, एकजुटता से करें, उसमें इधर उधर भटके नहीं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपको टारगेट से भटकाने वाला भी है। वहीं शनि जो है कुंडली में छठे घर के मालिक होकर दूसरे घर में यानी अपनी दशा भुक्ति के अंदर पैसे का नुकसान दे सकते हैं। दूसरा वहीं पंचमेश है, पंचम का मालिक उच्च का होकर राहु के साथ एजुकेशनली ठीक है, कैचिंग पावर ठीक है, व्यक्ति अपने बल पर अच्छी एजुकेशन करने में सक्षम है। अष्टम का केतु हो, मेष राशि का हो, तो सिर दर्द से संबंधित समस्या दे सकता है। अपनी दशा काल में पेट की खराबी, गुलुम पीड़ा, बवासीर, भगंदर जैसे रोग भी जीवन में परेशान कर सकते हैं। तो ये तो था आपके हॉरोस्कोप, जो अपने आप में बहुत अच्छे प्लैनेटरी पोजीशन दिखी। नवांश कुंडली में देखिएगा शनि स्वग्रही हैं, शुक्र उच्च के हुए हैं, बृहस्पति केंद्र में है और चंद्रमा भी केंद्र में है, तो ये स्थिति तो अपने आप में ग्रहों की पोजीशन भी ठीक हुई है। अब बात करेंगे बुध की महादशा की, जो बच्चे को जन्म के समय से मिली। बुध की महादशा जनवरी 2027 तक चलेगी। अब देखिए कितना डिफरेंस है पिछली कुंडली की बुध की दशा और इसमें। यहाँ बुध को देखिएगा आप, लग्नेश दशमेश होके दशम में शुक्र बृहस्पति के साथ है, तो ये प्लैनेट अपने आप ही अच्छा है, यानी ये एजुकेशनली भी अच्छा है, बुद्धि के तौर पर भी अच्छा है, कैचिंग पावर के तौर पर अच्छा है। अभी तो बच्चे की उम्र 7 साल ही है और 2027 क्या 26 तक चलेगा ये, तो 13 वर्ष तक बुध चलेगा। 13 वर्ष से आगे की बात करते हैं। केतु की महादशा के बारे में बात करते हैं कि जनवरी 27 से 33 तक 34 तक चलेगी केतु, और केतु कुंडली के 8वें घर में अष्टम भाव में अगर केतु बैठे, किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो और एक अशुभ ग्रह शनि उसको देख रहा हो, तो वो समय परेशानी भरा समय होगा स्वास्थ्य के नज़रिए से। दूसरा, थोड़ा सा आपको बच्चे को बैड हैबिट्स, गलत संगत से उस दौरान बचाना होगा, क्योंकि केतु यह मंगल की राशि में है और मंगल भले ही त्रिकोण में है लेकिन सूर्य के साथ बैठा हुआ है, यानी फिर से ये स्थिति ऐसी हो सकती है उस दौरान बच्चा पिता की बात कम माने, पिता के साथ वैमनस्य रखे, पिता के साथ उसके संबंध अच्छे ना रहें, यानी वो स्थिति स्वयं के स्वास्थ्य के लिए तो साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। केतु की दशा चलेगी जीवन में 34 तक, 34 का मतलब होता है 21वें वर्ष तक, लेकिन जैसे ही जीवन का 21वां वर्ष ख़त्म हुआ इस कुंडली के राजयोग होने शुरू हो जाएंगे। क्यों होने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि शुक्र की दशा लग जाएगी। मैंने शुरू में ही कहा है आपसे कि जीवन में जब जब दशाएं अच्छी हों या ग्रह कुंडली में अच्छी हो उनकी दशाएं आनी बहुत ज़रूरी है। शुक्र की महादशा इस कुंडली में देखिए, दशम भाव में शुक्र लग्नेश दशमेश के साथ, चतुर्थेश सप्तमेश के साथ राजयोग में, नवांश में शुक्र उच्च का, दशमांश में बुध के साथ, बहुत अच्छी तरीके से इंडिकेशंस आता है इस व्यक्ति को जीवन में कोई नौकरी नहीं करनी, इसको कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी, इसको किसी के अंडर में कोई काम नहीं करना, अपनी राह स्वयं चुनने वाला व्यक्ति, और बहुत सुंदर योग बना रहा है यहाँ पर। यह शुक्र 20 साल के लिए दशा आएगी, खुलतम बिल्कुल आप खुले चौरपेन को छूट दीजिए, ये व्यापार करें, क्योंकि ये व्यापारिक बुद्धि व्यापारिक समझ रखने वाली कुंडली है और व्यापार से अपने जीवन में बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त करने वाला ये कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं इसको पूर्ण रूप से एक सफल व्यापारी की कुंडली की स्थिति कह सकता हूँ। कोई नौकरी नहीं, कोई सरकारी नहीं, कोई अफसर पद नहीं, बस व्यापार करके जीवन में तरक्की हासिल करना, व्यापार करके जीवन में अन्य लोगों के साथ उठना बैठना और उनसे फ़ायदा लेना। कभी कभी एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि ये व्यक्ति कहेगा मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव में खड़ा होना है, तो ऐसी स्थिति भी इस कुंडली के अंदर है कि अगर कोई आसपास के मोहल्ला के क्षेत्र के कोई चुनाव हो उसमें इनको खड़ा कर देना, ये चुनाव में भी जीत जाएंगे। उस दौरान स्वयं के बल पर मकान बनाने में थोड़ा इनको एफर्ट्स आएगा लेकिन बना अवश्य पाएंगे। तो अभी की दशा देखें, बुध की दशा है, केतु की दशा में हेल्थ इश्यूज और रोड एक्सीडेंट मुझे दिखाई देते हैं। अभी तो बुध की दशा चल रही है उसमें तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा जो हेल्थ इश्यूज हैं थोड़े बहुत अभी परेशान कर सकते हैं जनवरी फरवरी 22 तक, क्योंकि बुध में राहु चल रहा है, राहु शनि के साथ है,
लेकिन थोड़ा केतु की दशा में संभालना होगा इनको आपको, और जनवरी 27 से 2034 के बीच तक वो 7 साल की दशा आएगी। और ऐसे बच्चे को तो कम से कम रोज़ाना भगवान गणेश की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी के मंत्र, गणेश जी की चालीसा, गणेश जी की आरती, शिव जी की चालीसा, शिव जी की आरती, ये सब चीज़ें अगर ये करते हैं तो इनके लिए बेहतर रहेगा। पढ़ाई में मेरे हिसाब से ओवरऑल ठीक रहेंगे, लेकिन ये हॉरोस्कोप एक स्थिति ऐसी आएगी कि बच्चा कहेगा बस मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे व्यापार करना है। तो बहुत अच्छी है पढ़ाई के योग नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सफल व्यवसायी की कुंडली में इससे अवश्य कहूँगा कि अपने बल पर जीवन में करोड़ों रुपये कमाएगा। धन का आगमन इन फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। जीवन के 22 से 42 वर्ष बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। पिता से थोड़े मतभेद रहेंगे, माता के हिसाब से स्थितियाँ ठीक रहेंगी। और मेरे हिसाब से जीवन के 23-24 वर्ष से ये व्यक्ति पूर्ण रूप से व्यवसाय में कदम रखेगा और सोर्स ऑफ इनकम यानी पैसा कमाना शुरू कर जाएगा। तो ओवरऑल ये कुंडली बहुत अच्छी कुंडलियों में है। इसका भाग्योदय थोड़ा सा 23 वर्ष के बाद से हो रहा है और बहुत अच्छी दशा इस व्यक्ति को मिलेगी जिसमें ये एक अच्छा काम करेंगे। यानी मेरे हिसाब से इस सर्वस्व व्यक्ति के लिए एक ही टारगेट बनाना चाहिए कि भाई तुमको व्यापार करना है। उसी हिसाब से आप अपने जीवन में योजना बना के चलो कि भाई कल कोई व्यापार करने के लिए कहने लगे तो इसको कौन सा व्यापार हम दे दें जिसमें ये ठीक ठाक हो, या पैसा लगाने के लिए कह दें। क्योंकि घर परिवार में अगर कोई कुछ काम होता हो, अगर ये उसको संभाल ले तो इससे अच्छी तो कोई इसमें बात ही नहीं है, फिर तो ये सबसे बढ़िया ही रह जाएगा। नहीं तो जीवन में कमीशन दलाली से संबंधित काम कराओ, वो बहुत अच्छे रहेंगे इनके लिए। क्योंकि ये व्यक्ति अपनी वाणी के बल पर बहुत बढ़िया करने वाला जीवन में, यानी जिससे बात कर ले, जिससे मीटिंग कर ले, वो कहेगा ठीक है जी हम आपके साथ काम करेंगे। तो ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है, ईश्वर कृपा से व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करेगा। नमस्कार।